प्लीज मैं कमिंग सर। यस आइए। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू। तृप्ति शब्द का क्या अर्थ है? सर तृप्ति शब्द का अर्थ ये होता है कि संतुष्टि। संतुष्टि, अच्छा। तृप्ति, किस मामले में आप संतुष्ट हैं या किस मामले में आपको ऐसा लगता है कि यह नाम आपके व्यक्तित्व को प्रकट करता है? सर संतुष्टि, जैसा मेरा नाम है, नाम का मतलब है, मैं अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट हूँ। तो जीवन के एक पहलू जो है उसमें ये है कि मैं अपने पढ़ाई से, जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। चलिए, अच्छी बात है। आदमी के मन में दो तरह की भावनाएं होती है, एक तो कंप्लेनिंग, ये नहीं मिला वो नहीं मिला जी, और दूसरा होता है एक संतुष्टि का भाव, मनुष्य में जन्म लिए, भारत में जन्म लिए, इतने अच्छे माँ पिताजी मिले, इससे ही संतुष्ट। तो जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहता है वो भक्ति का लक्षण नहीं है, लेकिन एक जो संतुष्टि का भाव है वो भक्ति का लक्षण है, इतने आप ईश्वर से शिकायत नहीं करते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम काफ़ी, जिन्होंने भी रखा है, काफ़ी अच्छा नाम है। थैंक यू। ESI पद के लिए आपने आवेदन किया है, फिल्म देख रहे हैं कि आपने BTEC भी किया है, इतनी अच्छी डिग्री लेकर के क्यों आप मतलब ऐसे जनरलिस्ट वाले जॉब में जाना चाहते हैं? आपको तो कुछ टेक्निकल ग्राउंड में जाना चाहिए। सर मैंने BTEC किया है और BTEC करने के बाद मैंने 2 साल बतौर जूनियर इंजीनियर एक प्राइवेट फर्म में भी काम किया है, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब था, तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होने के बाद रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद मैं प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करने लगी, उसके बाद मेरा ESI में हुआ। अच्छी बात है, लड़कियों को तो आना ही चाहिए अच्छे गवर्नमेंट जॉब में। एक सरकार की भी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को प्रोत्साहित करें, और उससे प्रशासनिक एक जो कार्यशैली होती है, प्रशासन का जो चेहरा होता है, वो भी थोड़ा बदलता है। चलिए, अच्छी बात है। आपकी हॉबी है टीचिंग और योग जी। बताइए कि योग में, आज तो संयुक्त राष्ट्र में भी दर्जा दिलाया गया है, मतलब 21 जून को मनाते हैं हम लोग, बताइए कि योग किस प्रकार मनुष्य के लिए लाभदायक है? सर योग जो है उसका मतलब ये होता है कि जोड़, और ये मनुष्य की जो मन की स्थिति है उसको चेतना से जोड़ने का विधि है, और ये एक साइंटिफिक मेथड है। तो ये इस तरह से मनुष्य को मदद करता है कि उसकी उसके मन की स्थिति को शांत करता है, शरीर की जो भी डिजीज़ है उसको ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, बताइए कि एक अष्टांग योग है जी। ठीक ना, महर्षि पतंजलि ने भी इसकी चर्चा की है। बताइए कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत किन किन भावों को रखा है? सर महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंदर 8 भावों को रखा है, इसमें कि यम, नियम, ध्यान, यम नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि, प्रत्याहार का मतलब बताइए। ध्यान को तो बहुत लोग जानते हैं, प्रत्याहार का मतलब बताइए। प्रत्याहार का, चलिए किसी 3 आसन के नाम बताइए। 3 आसन के नाम सर इस प्रकार है, पहला है उत्तान पादासन, सेतु बंदासन और सवासन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। BTEC में आपका स्ट्रीम क्या था? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अक्सर देखिए, हम लोग जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो एक घरों में एक होता है फ्यूज, दूसरे एक होता है MCB। बता सकते हैं दोनों में, आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्यूज और MCB क्या अंतर है? सर फ्यूज जो होता है वो एक मैकेनिकल कॉन्सेप्ट उसके अंदर काम करता है, लेकिन जो MCB होता है वो, ठीक से समझाइए फ्यूज। फ्यूज जो होता है उसमें अगर ओवर करंट पास करता है तो उसमें जो एलिमेंट यूज किया हुआ होता है वो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जिसके वजह से वो पिघल कर, उसकी रेजिस्टिविटी कम नहीं होती, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जी, मेल्टिंग और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। सॉरी सर, मेल्टिंग पॉइंट कम होने के वजह से वो मेल्ट करके
सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है, जिसके वजह से दुर्घटना जो होने वाली होती है वो रुक जाती है। और एमसीबी, सॉरी एमसीबी आपने देखा है? एमसीबी जी सर मैंने देखा। उसका क्या काम सर? मान लीजिए फ्यूज उड़ गया तो आपको फ्यूज को चेंज करना होता है उसके बाद, लेकिन एमसीबी में तो ऐसा नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिक स्विच डाउन हो जाता है। तो वो किस कंसेप्ट पर काम करता है? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप नहीं समझा पाइएगा तो उनको और भटकना पड़ेगा इसको समझने में। एमसीबी किस तरह से कार्य करता है? सॉरी सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपने ये किया है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो किस प्रकार से आगे आपके आने वाले कार्य में आपको सहायता करेगी? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब मैंने किया तो उस समय मैं लैबोरेटरी वर्क भी करती थी, जहाँ पे टीम मेंबर के साथ में काम करना होता था और एक एक्सपेरिमेंट को उसके कंक्लूजन तक पहुँचाना होता था, रिजल्ट निकालना होता था। तो टीम मेंबर के साथ काम करने में और कोऑर्डिनेट करने में मैं इसे सफलतापूर्वक कर सकती हूँ। जो कि आपका कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का आपको अनुभव एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने का। हाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस का माहौल भी ऐसा होता है, तो लड़के लड़कियों या टीचर्स प्रोफेसर या पढ़ाई का माहौल जो होता है वो कंसोलिडेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो आपकी जो हिचक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन मैं टेक्निकल पार्ट से पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब जो आपने स्टडी किया है, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर फंक्शनिंग एज ए ESI? सर ESI में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में या ESI में अभी इनोवेशंस भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कि नए तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, उसको समझने में भी मैं सक्षम हूँ। और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में जैसा कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन मंत्री जी ने कहा है कि वो इलेक्ट्रिक रोड भी बनवाना चाहते हैं, जिसपे कि गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी से संचालित रहेंगी और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आज ESI आप जल्दी समझ पाएंगे जी। आजकल स्पीड मापने वाला यंत्र हो चाहे गाड़ियाँ हो, सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ रहा है जी, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, हम आपके एकदम उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। पिछला जो आपका जॉब था जी, टीचिंग एक्सपीरियंस इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या पढ़ाते थे आप? सर मैं फिजिक्स पढ़ाती थी। फिजिक्स पढ़ाती थी यार, ठीक है। फिर मान लीजिए कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कोई दो एग्जांपल दीजिए जिस जैसे आपने काम किया और बच्चों को अच्छे से फिजिक्स समझाया हो, मतलब अपने टीचिंग के दौरान। सर फिजिक्स जब मैं पढ़ाती थी तो मैं प्रोजेक्ट वर्क पे ज़्यादा बिलीव करती थी, तो प्रोजेक्ट वर्क में जैसे कि अगर सोलर सिस्टम को समझाना है या लाइट के कोई फेनोमेना को समझाना है तो उसे प्रैक्टिकल करके मैं समझाया करती थी, तो उसे बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती थी। चलिए ठीक है, अच्छी बात। एक तो आपने कहा कि प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल में था, और दूसरा कुछ? सर डेमोंस्ट्रेशन मेथड जो कि ब्लैकबोर्ड और ब्लैकबोर्ड पे फिगर बनाकर बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि हम लोग जो जो विजन डिफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, दृष्टि दोष के बारे में, उसमें एक में उत्तल लेंस का यूज करते हैं ठीक करने में, एक में अवतल लेंस का यूज करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? सर ये सॉरी सर मैं हिंदी समझने में थोड़ा सक्षम हूँ, तो उसका इंग्लिश टर्म अगर बता। एक होता है मायोपिया, एक होता है मेट्रोपिया, है ना, मतलब दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो उसके लिए आप कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं एक में कंकेव लेंस यूज करते जी। हैं, है ना, समझ रहे हैं आप चश्मा को जब आप बनाते हैं जी। तो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब किस में कन्वेक्स करते हैं और किस में कंकेव करते हैं? जी सर दो तरह के दोष होते हैं, एक मायोपिया है एक हाइपरमेट्रोपिया है। मायोपिया जो होता है वो एक शॉर्ट साइटेडनेस डिजीज है, जिसमें कि हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है पर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, और सर मायोपिया में हम लोग कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं। अच्छा। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो दूर दृष्टि का दोष होता है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जो लेंस यूज करते हैं ऐसा क्यों करते हैं? सर क्योंकि उसमें जो इमेज होता है रेटिना पे नहीं फॉर्म होके मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना पे नहीं फॉर्म होकर उसके पीछे फॉर्म होता है इमेज। बहुत अच्छा, यही मैं जानना चाह रहा हूं। जी सर आप मुझे थोड़ा सा समझा लीजिए जी।
ये वॉकस और क्वाड है ना, क्वाड सॉरी सर क्वाड है ना, क्वाड या जी वॉकस जी और वॉकस वॉकस जी जी इस दोनों में क्या अंतर है सर? क्वाड के समूह में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है, और ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है, और जो क्वाड है वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के अस्तित्व को ख़त्म करने की चाइना के अस्तित्व को मतलब चाइना का जो एक तरह से बैलेंस चाइना के साथ जो हम लोग ट्रेड करते हैं उस पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। अब बैलेंस का प्रयोग कीजिए और ऑकस सर उसके बारे में मेरी पूरी जानकारी नहीं है। ऑकस में कौन कौन से देश सर? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। और आपने एक और संगठन का नाम सुना होगा जो हाल ही में बना है I2U2 करके। जी सर है ना जी सर। इसमें कौन कौन से देश सर? I2U2 में है इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएस। इसका क्या उद्देश्य सर? इसका उद्देश्य जो है इंडो पैसिफिक रीजन में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ट्रेड को इम्प्रूव करना, ये इसका रीजन। अभी जो समझौता हुआ है तो उसमें कितने बिंदु पर समझौता हुआ है सर? I2U2 में अभी ध्यान में नहीं है सर। एग्रीमेंट हुआ जी सर? और मुझे ये समझा दीजिए आप कि जब आपने I2U2 को पढ़ रहा होगा तो आपने अब्राहम समझौता को पढ़ा होगा, पढ़े हैं सर? पढ़े हैं सर पर अभी ध्यान में नहीं ध्यान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, आपने बिहार की राजनीति को तो देख ही रहे हैं जी। बिहार की राजनीति में आपने देखा होगा कि जो हमारे सामने जो असेंबली में क्राइसिस आया है स्पीकर को लेकर, ये क्या क्राइसिस है? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं आ पड़े ऐसा क्यों होता है कि पहले सत्ता में कोई और लोग आते हैं फिर बीच में सत्ता बदल जाती है, गठबंधन बदल जाता है, ये सब क्यों होता है? सर सत्ता इसलिए बदल जाती है क्योंकि वो पार्टी जो होते हैं वो अपने मतलब के लिए बोलिए अपने मतलब के लिए अपना वोट को अर्जित करना चाहते हैं। तो मतलब पार्टी अपने इंटरेस्ट मतलब की सत्ता बदलते रहती है, गठबंधन बदलते रहती है, इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है या जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पार्टी सेंट्रिक बन चुका है और पार्टी के इंटरेस्ट में वोट कर रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि हमको एक ऐसा डेमोक्रेसी को मतलब एक कुछ नवीनीकरण करना चाहिए जो कि पार्टी सेंट्रिक ना बनकर पब्लिक सेंट्रिक बने, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। आप मुझे ये समझाइए ऐसा क्या रिफॉर्म किया जाए ताकि पार्टी को पब्लिक सेंट्रिक बनाया जाए? सर रिफॉर्म टू मेक पार्टी पार्टी में ऐसा क्या रिफॉर्म किया जाए या पार्टी के जो लोग हैं उन्हें क्या रिफॉर्म किया जाए ताकि पार्टी जो है पार्टी सेंट्रिक अगर काम ना करके पब्लिक सेंट्रिक काम करे, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। सर कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हैं जैसे कि पहला ये है कि पार्टी को पार्टी को सर कोई पेनल्टी रखना चाहिए अगर कोई चलिए ठीक है। आप मुझे समझा दीजिए कि इस देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे कि महिलाओं को कुछ सीखना चाहिए था। आप कुछ ऐसे महिला का नाम बताइए जिनसे कुछ लोग सीखे हैं। सर इंदिरा नोई है। अच्छा। फाल्गुनी नायर है, एंटरप्रेन्योर है। किरण मजुमदार सौ है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, बायोकॉन कंपनी की हेड है। और सर सुषमा स्वराज जी थी। कहाँ से आपने किया है इंजीनियरिंग? जगह गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सर, भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर जी। थैंक यू सर। जी सर क्वांटम मैकेनिक्स में हम फिजिक्स में लाइट के वेव नेचर को पढ़ते हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसमें क्या बताया गया था मैटर के बारे में? सर इसमें मैटर के बारे में ये बताया गया था कि अगर
मैटर को लाइट के स्क्वायर स्पीड से अगर भेजा जाए तो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो क्या हो सकता? सर टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगा तो किसी भी काम को करने में बहुत समय लगेगा। टेक्नोलॉजी के वजह से हम अपने समय को बचा सकते हैं, काम को इफ़िशेंटली कर सकते हैं और काम करने में जो भी काम करने के दौरान जो भी दिक्कत आती है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका होम डिस्ट्रिक्ट भागलपुर जी, भागलपुर में महाजनपद काल में एक बहुत बड़ा बंश हुआ था, उन्हें संभाल सॉरी डायनेस्टी वहाँ कौन कर रहा था? अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है सर। ये तो अंग के कोई शासक का नाम बताइए। सॉरी सर याद नहीं। रूलर ऑफ अंग सर राजा कर्ण को अंग प्रदेश का राजा कहा जाता है। अभी करता हूँ जी सर, नहीं याद। भागलपुर में एक बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए डॉल्फिन कंजर्व करने के लिए जो है सेंटर बना हुआ है, कौन सा सेंटर? सर ये सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच में ये डॉल्फिन सेंचुरी पड़ता है। क्या नाम है? सर गंगाटिक डॉल्फिन रिजर्व। विक्रमशिला जी सर, थैंक यू सर। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना है जी? इसकी स्थापना सर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी और ये पाल डायनास्टी के रूलर थे। भागलपुर कौन कौन से कृषि उत्पाद के लिए जाना जाता है? सर भागलपुर में मुख्यतः चावल की खेती की जाती है, धान की, और शुगर केन भी होता है सर और सरसों भी होता है। रेशम का भी उत्पादन का बड़ा केंद्र जी जी सर, चीज नहीं है ठीक है, सही कल्चर पर बोलते ही हैं जी जी। रेशम का भी उद्योग है वहाँ। रेशम के उत्पादन को कृषि के अंतर्गत रखा जाएगा? जी सर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। कौन सा रेशम होता है? तसर रेशम। तसर रेशम भारत के अलावा भी कहीं दिखाई? सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं है। बिहार से बाहर कहाँ होगा सर? मैसूर में, सॉरी सर पर इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कहलगांव में जो एक जो कोई ऊर्जा केंद्र है जी, सर वहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अभी आप वर्तमान में कहीं जॉब में हैं? जी नहीं सर, मैं 2019 के बाद से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, कैसे संतुलन बैठाते हैं आप अपने पारिवारिक जीवन में और अपनी तैयारी में? मुख्य काम क्या है आपका, आपके फैमिली में? सर मेरा मुख्य काम जो मेरे परिवार में है कि मैं जो मेरे में जो खूबी है कि मैं समन्वय बना कर रख सकती हूँ, सब लोगों को जोड़ कर रख सकती हूँ। अच्छी बात है। तो पढ़ाई आपने भुवनेश्वर से की है ठीक है, तो पढ़ाई के बाद जॉब लेने की एक जिम्मेवारी रहती है, दो जॉब तो आप कर ही चुकी हैं। चलिए अच्छा, अपने जीवन का उद्देश्य बताएं। सर मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो है कि मैं अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड को जो मैं अचीव कर सकी हूँ उसको, उसके साथ में और भी अच्छे उसको यूज़ करके मैं और भी अच्छे संस्था में काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा संस्था के बारे में जानूं और उसके लिए लाभप्रद साबित हूं। आप अपने व्यक्तित्व का कोई कमजोर पक्ष बताइए, एक सकारात्मक मजबूत पक्ष और एक नकारात्मक।
सर सकारात्मक यही है कि मैं समन्वय बनाकर काम कर सकती हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं परिवार में भी सभी लोगों को जोड़ के रखने की इच्छा रखती हूँ। और वीक पॉइंट? सर वीक पॉइंट सर मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं लगा है। चलिए ठीक है, अच्छा है। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो अपनी कमजोरी को नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि कमजोरी को व्यक्ति जान ले तो मेहनत करके उसे दूर कर लेगा। ठीक है, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं व्यक्ति, और आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, आ जाइए। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, क्योंकि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो इस तरह की दिक्कत नहीं है, सारे चीजों में ठीक है। बस केवल करंट अफेयर्स को थोड़ा पकड़ रखिएगा। मैंने पूछा था एमसीबी वगैरह के मामले में, एमसीबी फ्यूज वाले सिस्टम पे काम नहीं करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ज्यादा अच्छे से उसको नेट वगैरह पर देखना है। कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या डिफरेंस है डीजल पेट्रोल के मुकाबले, सीएनजी के मुकाबले, ये वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। कुछ कंट्रोल, हाँ, कुछ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ आपके सब्जेक्ट से वर्क एक्सपीरियंस से, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन है। सिचुएशनल क्वेश्चन जैसे इन्होंने पूछा कि जो जुलूस हुआ या फिर जो प्रदर्शन हुआ उसमें किस तरह से ये लाठीचार्ज कहाँ तक उचित था, ठीक है। तो आपको ये कहना चाहिए कि सर पुलिस की संख्या कम है, आंदोलनकारियों की संख्या ज़्यादा होती है, यह एक अंतिम विकल्प होता है। लाठीचार्ज है अंतिम विकल्प होता है, लाठीचार्ज या हवाई फायरिंग या टीयर गैस या वाटर कैनन अंतिम विकल्प होता है, ठीक है। और व्यक्ति को भी ये समझना चाहिए कि वो आम सड़क जाम कर रहे हैं या इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आम जनजीवन कानून व्यवस्था में बाधा पड़ रही है, ठीक है। ये है कि लाठीचार्ज होगा तो कुछ कम होगा कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन ये सब स्थिति नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो संबंधित पक्ष है उसके नेता से या फिर व्यक्ति से बात करना चाहिए और इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। धारा 144 पुलिस के पास कई सारे विकल्प हैं, लेकिन फर्मनेस के साथ, कोई आधा अधूरे मन से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। लाठीचार्ज का निर्णय लेना है या गोली फायर का निर्णय लेना तो फिर पुलिस को लेना ही पड़ेगा, है ना। उसके लिए सक्षम अधिकारी हैं, IPS हैं, DSP हैं, तो वो आपको अपना, देखिए अधिकारी का एक लक्षण गंभीरता है और दूसरा लक्षण फर्मनेस जी, है ना, जो निर्णय लेना है उसके पीछे उसको निर्णय लेने के लिए खड़ा रहा। हाँ, क्योंकि मान लीजिए फिर सिक्योरिटी ब्रीच हो, फिर लोगों को परेशानी होगी। मैंने देखा है एक बार एक जुलूस में 3 घंटे तक एक बच्चों की बस फंसी हुई है, कौन उसके लिए करेगा। तो वो तो सिचुएशनल क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा, बाकी सब कुछ अच्छा। यस, सेटिस्फाइड। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं BPSC का इंटरव्यू दे रही थी तो मेरा ये है कि इस हाथ में थोड़ा सा सूजन है, तो जब मैं अपने हाथ को इस तरह से रखी हुई थी तो जो चेयरमैन है उनका नज़र इस पे चला गया था, तो वो मुझे बोले कि आप जो योग करती हैं आपको कुछ दिक्कत है या फिर आप कहीं से प्रेरित होकर करती हैं, तो उन्होंने इशारा करके ही कहा था ये बात। आपके जो हाथ है उसको लिखने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती? लिखने में नहीं होती। और वो फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बना हुआ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो आप बोलिए कि बाय बर्थ ही स्ट्रक्चर ऐसा है सर, और जो आप योग करते हैं वो योग इसीलिए करते हैं ना कि आप अपने फिजिकल और मेंटल सिस्टम को और एफिशिएंट बनाएं। योग में जब आप करते हैं, मैंने जो भी चीज योग के बारे में पढ़ लीजिए, योग की परिभाषा पतंजलि ने दी है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में जो विकार या वृत्ति है ना गलत दिशा में जाने की उसको रोकने का नाम योग है, आत्मा के परमात्मा से मिलने का नाम योग है, ठीक है, समस्त चक्रों को जागृत करने का नाम योग है। तो शरीर को ये स्वस्थ रखता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई डिफॉर्मिटी है बॉडी में तो उसको योग नहीं ठीक करता, ठीक है। पोलियो वगैरह ठीक करने के लिए या किसी चीज को अंधापन को ठीक करने के लिए योग नहीं है, योग व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, ओके। तो आप उनको एकदम जो चीजें हैं उसमें स्पष्ट बात बताइए, मेरी बात समझिए बात को। एक बंदूक पुलिस के पास भी होता है, एक डकैत के पास भी होता है, बुराई बंदूक में नहीं है, बुराई उसके इंटेंशन में, जो बातें स्पष्ट रूप से सामने कही कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये बाय बर्थ है, ये स्ट्रक्चर। इंटरव्यू बहुत नेचुरल रहता है बाबू। थैंक यू सर।